हेलो गाइस, मेरा नाम शाजिब है और मैं फोर्थ ईयर MBBS हूँ, जिस टाइम मेड स्कूल में हूँ। तो आई हैव सम क्वेश्चंस हेयर जो कि मोस्ट सर्चड हैं अबाउट मेड स्कूल, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मेड स्कूल इज नॉट वर्थ इट। आई थिंक अगर आप अगर देखा जाए इसकी जो है एग्ज़ाम्स जो प्रॉफ जिसे कहते हैं वो टफ हैं, इसके रूटीन टफ हैं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो इसके जो सैलरीज हैं वो भी कम है, और जितनी आप मेहनत करते हैं 48 आवर ड्यूटी देते हैं तो उतना आपको नहीं मिलता। मे बी बिकॉज ऑफ दिस इट्स नॉट वर्थ इट। और बाकी हर किसी के अपने व्यूज़ हैं आई थिंक। सो अगर आप ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, जहाँ आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता आपको, तो वहाँ ये नॉट वर्थ इट है। व्हाई मेड स्कूल इज़ हार्ड? मेड स्कूल इज़ हार्ड बिकॉज ऑफ इट हेक्टिक रूटीन्स, बिकॉज ऑफ इट नाइट शिफ्ट और 48 आवर एमरजेंसी शिफ्ट, और बिकॉज ऑफ इट्स एग्ज़ाम। हर साल जो एग्ज़ाम होते हैं प्रॉफ होते हैं, जहां आप 3-4 महीने सिर्फ उनकी तैयारी करते हैं, 3-4 महीने सिर्फ एग्ज़ाम चलते हैं, तो वो चीज़ें इस बात की बनाती है। और एग्ज़ाम में नो कम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ पे, वेवाज आपके इंटरव्यूज़ आपके प्रैक्टिकल में आपके सामने पेशेंट बैठते हैं जिनको आपने ट्रीट करना होता है, और अगर उसमें कुछ भी कर लो तो फेल हो जाते हो। अगर सही परफॉर्म ना करो तो उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो ये भी है। नेक्स्ट है व्हाई मेड स्कूल इज़ नॉट वर्थ इट, ये हो गया। व्हाई मेड स्कूल इज़ हार्ड टू गेट इनटू इट, आई थिंक मेड स्कूल इज़ हार्ड टू गेट बिकॉज यू शुड बी कैपेबल ऑफ एंड्योरिंग ऑल द स्ट्रेस, ऑल द टेंशन जितनी भी है मेड स्कूल में, आप वो कर सकें, वो बर्दाश्त कर सकें, उतना पढ़ सकें और उस रूटीन में काम कर सकें, उसके बाद ही वो आपको वो कर सकते हैं। और आपने मैट्रिक और FSC और MD CAT में अच्छे अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, उसके बाद ही आप सेलेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ हार्ड इसलिए है क्योंकि आप पूरे मुल्क में जहाँ 24-25 करोड़ आबादी है, वहाँ पे सिर्फ 4000 की सिलेक्शन हो जाती है, तो ऑफकोर्स इट्स हार्ड, यू हैव टू कम्पीट फॉर इट। नेक्स्ट इज़ वाई यू शुड नॉट गो टू मेडिकल स्कूल, दीज आर द सेम रीज़न already discussed why you should not go into this. Is med school is the hardest to get into? I think med school is not the hardest. There are other exams which are even harder than it. Even agar aap entry test de dete hain aur uske baad medical school mein aa jate hain, uske baad still it is the toughest because of its annual exam, because of its profs. So it's still the toughest. No, I mean it's not this, not the toughest, kyunki entry test bhi aasan hoti hai jab aap medical college ke andar aate hain, aur phir jo aapke wo exam hote hain wo usse bhi zyada tough hote hain. So it's not the hardest. Why medical schools are so selective? Medical schools are so selective because agar aap ek medical school mein aa jate hain, then you have to study for your whole life, क्योंकि डेली न्यू रिसर्चेज आ जाते हैं और वो भी है। बेसिकली यू हैव टू कैपेबल ऑफ इंड्योरिंग द टेंशन, इंड्योरिंग द प्रेशर, जो आपके रूटीन है आप उनमें काम कर सकें, जो आपकी डेली जो एग्ज़ाम है वो आप पास कर सकें। तो इसके लिए हम प्रॉपर मैन चाहिए, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए, और आप इसके लिए कंपटीशन इसके लिए लाजमी है, मेरिट लेना लाजमी है, क्योंकि यू हैव टू स्टडी डेट हार्ड। आपने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने होते हैं, तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वो सेलेक्टिव है। इज़ मेडिकल स्कूल डिफ़िकल्ट? मेडिकल स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक सो। बाकी डिफ़िकल्ट है इस लिहाज से, इसके रूटीन्स के लिहाज से, क्योंकि 48 आवर शिफ्ट होती है और नाइट शिफ्ट होते हैं और डेली 8 to 2 वो तो होती है, और इसके जो एग्ज़ाम हैं टफेस्ट हैं, तो ये चीज़ें इसको मोस्ट तो नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट बना देती हैं। और बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डेली पढ़ते हैं जो कि मुश्किल है, तो आपके लिए शायद मेडिकल इतना डिफ़िकल्ट ना। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन, इज़ मेड स्कूल यूनिवर्सिटी
आई डोंट नो इट्स आंसर. सो दीज आर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद माई ऑन मेडिकल क्वेश्चन अबाउट माई ऑन मेडिकल कॉलेज, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज. सो स्टे ट्यून्ड. बाय.